बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शॉर्ट सा टॉपिक है स्कैन प्रोजेक्शन रेडियोग्राफी। ये भी डिजिटल रेडियोग्राफी की ही एक टेक्निक है जो कि ज़्यादातर सीटी के साथ ही यूज़ होती है। मल्टी स्लाइस स्पायरल सीटी के साथ ही आई थी। इस तरह की होती है जिस सीटी मशीन के अंदर ही इसको स्कैन करते हैं। Shortly after the introduction of third generation computed tomography, scan projection radiography was developed by CT vendors to facilitate patient positioning. It remains in use with virtually all current multi-slice helical CT imaging system. तमाम सिस्टम में अभी भी मौजूद होती है। इसका इस्तेमाल वैसे कम हो गया था लेकिन आजकल दोबारा रीमर्ज हो रही है डिजिटल इमेजिंग के साथ। The patient is positioned on the CT couch and then is driven through the gantry while the X-ray tube is energized. पेशेंट को काउच के ऊपर लिटा देते हैं और फिर उसको मूव कराते हैं सीटी गैंट्री के अंदर और एक्स-रे ट्यूब हमें एनर्जाइज होती हुई मिलती है। मूव नहीं करते इसमें ना ही डिटेक्टर और ना ही एक्स-रे ट्यूब। द एक्स-रे ट्यूब एंड द डिटेक्टर एरे डू नॉट रोटेट बट आर स्टेशनरी एंड द रिजल्ट इज डिजिटल रेडियोग्राफ। ड्यूरिंग द 1980s एंड अर्ली 1990s SPR वॉज डिवेलप्ड फॉर डेडिकेटेड चेस्ट DR. द प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ SPR वॉज कोलिमेशन टू ए फैन बीम एक्सरे विद एसोसिएटेड स्कैटर रेडिएशन रिडक्शन एंड इम्प्रूवमेंट इन इमेज कंट्रास्ट। जितने भी हमें हम कोशिशें कर रहे हैं या इमेजिंग कर रहे हैं सबका आखिरी मकसद एक ही निकलता है कि इमेज को कंट्रास्ट को बेहतर करना। ग्रेड इस्तेमाल करते हैं, पेशेंट की डोज बढ़ा देते हैं लेकिन इमेज कंट्रास्ट अच्छा हो जाता है। इस तरह बहुत सी किस्में। इन SPR द एक्सरे बीम इज कोलिमेटेड टू ए फैन शेप बाई प्री पेशेंट कोलिमेटर। दो तरह के कोलिमेटर होते हैं, प्री पेशेंट और प्री डिटेक्टर कोलिमेटर्स। तो प्री पेशेंट के जरिए ये फैन भी हो जाती है। पोस्ट पेशेंट इमेज फॉर्मिंग एक्सरेज लाइक वाइज आर कोलिमेटेड टू ए फैन दैट करस्पॉन्ड टू द डिटेक्टर एरे, जो कि सिंटिलेशन डिटेक्टर होता है, यूजुअली सीजियम आयोडाइड या फिर सोडियम आयोडाइड का बना होता है एंड इज मैरिड टू ए लीनियर एरे ऑफ CCD थ्रू फाइब्रो ऑप्टिक लाइट पाथ CCD के साथ अटैच होता है और फिर वो उसको इमेज में कन्वर्ट करके हमें स्क्रीन पर दिखा देती है। CCD मतलब चार्ज कपल डिवाइस, लाइट सेंसिटिव डिवाइस है। दिस डिवेलपमेंट वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल बिकॉज चेस्ट एनाटमी हैज़ हाई सब्जेक्ट कंट्रास्ट सो स्कैटर रेडिएशन रिजेक्शन इज़ नॉट ऑल दैट इम्पोर्टेंट। कि चेस्ट में पहले ही रिब्स हैं, हार्ट है, लंग्स हैं, पहले ही उसका सब्जेक्ट कंट्रास्ट बहुत अच्छा है तो हमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इमेजिंग करने में, स्कैटर ख़त्म करने में, ग्रिड लगाने में, तो पहले ही उसका कंट्रास्ट बहुत अच्छा है तो इस वजह से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है स्कैटर को ख़त्म करना, कंट्रास्ट उसका पहले से ही अच्छा है। फर्दर मोर द स्कैनिंग मोशन रिक्वायर्ड सेवरल सेकंड रिजल्टिंग इन मोशन ब्लर। सेवरल सेकंड में ज़्यादा फिर पेशेंट अपना सांस तो नहीं रोक सकता, हिलना जुलना बंद तो नहीं कर सकता है तो मोशन ब्लर भी आ जाता है। एट द प्रेजेंट टाइम SPR इज़ री इमर्जिंग विद सम मॉडिफिकेशन एज अ प्रोमिसिंग एडजंक्ट टू डिजिटल रेडियोग्राफिक टोमोसेंसेज। जिस तरह डिजिटल मेमोग्राफी टोमोसेंसेज है इस तरह DRT के साथ भी ये अटैच हो रहा है। द पर्पज ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ टोमोग्राफी, रेडियोग्राफी, रेडियोलॉजी, इमेजिंग, हर तरह का सबका पर्पज एक ही है, टू इम्प्रूव इमेज कंट्रास्ट एंड दैट इज़ द गोल ऑफ DRT। ये इस तरह का इमेज आता है इसमें।